यमुना जी के निराजन के अवसर पर अभी चल रहे बुद्ध पूर्णिमा विषयक विभिन्न कार्यक्रम अभी पूजन के चल ही रहे, इसलिए प्रसंग संगति के अनुसार, अवसर संगति के अनुसार कुर पूजन इत्यादि के विषय में कुछ चर्चा हो चुकी है। शास्त्रों में गुरुदेव किनको स्वीकार करना चाहिए, बनाना चाहिए, इसके लिए शास्त्र में कुछ मानदंड बने हुए हैं। जो उन मानदंडों में खरा उतरता हो उनकी गुरु शक्ति की जाती है। उपनिषद में भी श्रोत्रियम ब्रह्मरेष्ठम इत्यादि के माध्यम से और भगवती गीता में भी ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः आदि के माध्यम से गुरुजनों के पहचानने का शब्द प्रयोग करने में हमको थोड़ी कठिनाई हो रही है। पहचानने के लिए भी तो योग्यता चाहिए। एक कुछ लक्षण दिए और उनका आदर होता है संप्रदाय में भी समाज में, लेकिन एक चीज अवश्य ध्यान रखना चाहिए, गुरु के कितने ही लक्षण विद्यमान हो किसी महापुरुष में, कितना ही विशिष्ट उनका गुरुत्व हो, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है शिष्य के मन में तो गुरु प्रयास करके भी शिष्य को वो नहीं प्रदान कर सकता है या आधान नहीं कर सकता है, कर पाता है ये ठीक है, आधान नहीं कर पाता है जो आधान वो करना चाहता है। श्रद्धा आवश्यक है, आदम श्रद्धा कहा गया है। द्रोणाचार्य जैसे महान और कौन आचार्य होगा, हमको लगता है उतना महान आचार्य इतिहास में वो अंतिम ही है। उन्होंने 105 जो उनके शिष्य थे सबको पूरे प्राणपण से विद्या देने की चेष्टा की, क्योंकि गुरु कभी कोई कपट नहीं करता है। शिष्य कितना अधिकारी है उसके अनुसार उसका व्यवहार बदले या बदला हुआ दिखाई पड़े, हाँ बदला हुआ दिखाई पड़े होता नहीं, तो सबको समान रूप से उन्होंने विद्या दी। लेकिन हम देखते हैं कि जब परीक्षा ली गई पेड़ के ऊपर पक्षी रख करके और इसकी आंख में निशाना लगा, और पक्षी कितना बड़ा और उसकी आंख कितनी बड़ी उस पर निशाना लगाओ, तो हम लोगों को कथा मालूम है इसलिए दोहरा नहीं रहे हैं। केवल अर्जुन को ही अनुमति मिली अनुसंधान करो, गुरु सब वही है लेकिन शिष्य की समर्पण की भावना अलग। एक और उदाहरण बड़ा विलक्षण है, गुरु कितना महान है वो मुख्य नहीं है, शिष्य का शिष्यत्व कितना महान है
ये इतिहास से हमको दिखाई पड़ता है। एकलव्य आया था द्रोणाचार्य के पास कि प्रभु हमको अपना शिष्य बनाइए, हमें भी अस्त्र शस्त्र विद्या का उपदेश दीजिए। द्रोणाचार्य जी वचनबद्ध थे, राज परिवार के सदस्यों से अतिरिक्त किसी की शिक्षा दीक्षा वो नहीं दे सकते थे, इसलिए बहुत मन होते हुए भी एकलव्य को वो स्वीकार शिष्य रूप में। लेकिन आगे कथा हमको सबको मालूम है, यद्यपि द्रोणाचार्य जी ने उसको शिष्य रूप से नहीं स्वीकार किया, लेकिन एकलव्य ने कहा आप हमको शिष्य मानो न मानो, जिस तरह ये आपका स्वातंत्र है उसी तरह मैं गुरु मानूं या न मानूं मेरा स्वातंत्र है। मैंने अब आपको गुरु बना लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो अब कोई दूसरा तो इस स्थल पे नहीं बैठ सकता है। एक जगह माथा टिक गया है तब दूसरी जगह टिकने वाला नहीं है। कथा का हम स्मरण करा रहे केवल केवल गुरु की श्रद्धा, अद्भुत श्रद्धा कहना चाहिए। उसके कारण एकलव्य वो विद्या सीख गया जो अत्यंत कृपालु हो करके प्रयास पूर्वक द्रोणाचार्य जी अपने अत्यंत प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया। अर्जुन चकित रह गया एकलव्य के विद्या कला के। तो यद्यपि गुरु कितना महान है वो नहीं मुख्य रहा, तुम्हारा शिष्यत्व कितना महान है वो एक विशेषता। एक कथा हमने संतों से सुनी है श्रद्धा की दृढ़ता के निमित्त उसको सुना रहा हूं। एक राजकुमारी को पता चला कि बिना गुरु गत नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो गुरु के लिए भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप ही गुरु बन के आ जाओ किसी रूप में, हमको शिष्य स्वीकार करो। तो ऐसे खिड़की पे खड़ी होकर के सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए कह रही थी प्रभु मेरे लिए एक गुरु भेज दो, मैं शिष्य हूं। देखो भावना सच्ची होना परीक्षा लेने की बात नहीं। एक यहाँ के डीएम रहे हैं और उनका नाम जानते होंगे, उन्होंने भी यहाँ जब आए तो सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की मैं न गुरु जी का नाम बता रहा हूँ और न शिष्य का नाम बता रहा हूँ, हमारे दोनों ही अत्यंत प्रेमी और आदरणीय है, उनका भी बहुत अधिक संबंध और उनका भी हमारे संग बड़ा संबंध। तो उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। अब जब उन महापुरुष के पास गए तो आ गए तो बेटा वो आप कैसे पता चला, अरे जिससे तुमने सवेरे प्रार्थना की तो लिया है मुझे निर्देश दे दिया। ये शब्द उन डीएम और पीछे बड़े भारी अधिकारी बन गए, शायद वो अवकाश पात्र हो गए, उन्होंने वही उपशक्ति स्वीकार की, समर्पण किया यावत जीवन। तो ये उदाहरण है, उन महापुरुष को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, उन डीएम महोदय को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और उनके बीच जो लीला हुई वो हमको दोनों ने बताई है। तो गुरु महाराज की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना की। इस कथा को थोड़ा सावधानी से सुनना आप आवश्यक है। वो इसी तरह प्रार्थना कर रही थी भगवान से हमको कोई गुरु बनाओ, गुरु भेजो, गुरु भेजो। नीचे से एक बहुरूपिया जा रहा था, बहुरूपिया आप लोग जानते हैं, अब तो वो कलाकार दिखाई नहीं पड़ते, पहले बड़े अच्छे अच्छे बहुरूपिया होते थे, राजा महाराजाओं को भी चकित कर देते। एक बहुरूपिया नीचे जा रहा था, उन्होंने कहा ठीक है बहुत दिखाया, अब मैं गुरु बन के दिखाता हूँ
और बहुरूपिया था तो बड़ा जोर से जटाजूटधारी बड़ा मोटा सा कंठा, इसलिए शायद बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं और ज्यादा, इत्यादि इत्यादि करके वो पहुंच गए। था बहुरूपिया और उसको शिष्या से कुछ लेना देना नहीं, हर शिष्य धन शंकर नारायण वाली समाधि जा उसका था, राजकुमारी का धन लेना है, राजकुमारी का समर्पण पूरा है। और जय बाबा आप कौन है? तूने भगवान से प्रार्थना की तो गुरु चाहिए? हाँ मैं आ गया। अच्छा गुरु बताओ, वाह मैं धन्य हो गई, मैं भगवान आप बताओ मुझे क्या करना है। अरे गुरु क्या पूरी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु पति, उनको भेंट पूजा दो। क्या भेंट पूजा? जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो। तो राजकुमारी ने कहा मुझे तो सोना बड़ा अच्छा लगता, छोटी बिटिया थी, सोना बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है तुम्हारे पास जितना सोना हो लेके, और वो शंकर जी का मंदिर जो तालाब के किनारे है वहां आ जाना, एकांत दीक्षा एकांत में होती है, किसी को साथ नहीं जाना। उसने अपने जितने गहने थे, हम तो देखे घरों में कितना कितना, अब तो नहीं है, तो वो चमकीले वाले आ गए, पहले पीला किलो में हुआ करता था, तो बड़ी भारी पोटली लेकर के चली। उसकी सखियां तो खबरदार पड़ गए, टांग तोड़ दे, तो सब करते खिलाड़ी वो अकेले गई गुरु जी के पास। उतनी बड़ी सोने की पोटली देख के गुरु जी के भी दिमाग में टिका है। फिर इसी तरह गुरु बन के उन्होंने कहा कि अभी लेके मैं जाऊंगा और ये हल्ला मचाएगी तो मुश्किल पड़ेगा। उनका ठीक अच्छा अब तो इस पीपल के पेड़ नीचे खड़े हो जाओ। हाँ, और उन्होंने नीचे पैर से रस्सी बांधनी शुरू की। उसको बड़ी श्रद्धा है, गुरु जी दीक्षा हो रही सारी दीक्षा की रास्ता होता हूँ, तो पूरी कायदे से उसको बांध दिया और वो श्रद्धा पूर्वक खड़ी, गुरु जी जो कर रहे हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। गुरु जी ने उन बहुरूपिया जी ने उसको इतने बढ़िया ढंग से बांधा कि उसकी खाली पलकें चल रही थी, बस मैं आऊंगा तो मैं खोलूंगा, हल्ला वल्ला नहीं मचाना। अब ले करके पोटली और चंपत हुए, सोचे जितनी जल्दी दूर निकल जाऊं उतना अच्छा है, वरना पीछे हल्ला मचेगा तो फिर राजा की बेटी है और प्रसाद बढ़िया वाला मिलेगा, इसलिए पहले ही निकल चलो। तो उसको बांध करके सावधान, किसी को कहना नहीं, नहीं कहूं, बहुत दूर निकल गए। अब तो आजकल जरा काफी छुट्टी हो गई, हमने बचपन में देखा अगर लड़की 5 मिनट माँ के या परिवार की आंखों से ओझल हो जाए तो अफरा तफरी मच जाती। तो राजकुमारी दिखाई नहीं पड़ी, तो महारानी ने कहा कहाँ है राजकुमारी? माता जी हम यहीं तो थी। अरे वो एक पोटली बांध करके कहीं गई है। हमने कहा मैं साथ चलूंगा, खबरदार तुम चली तो मैं तुम्हारी टांग तोड़वा दूंगी। तो जाना था कहने माता जी, अभी तो आप कह रही हो और राजकुमारी ने अगर कहा होता इसकी टांग तोड़वाओ तो आपने पहले टांग तोड़वाई होगी, पीछे राजकुमारी बात करते, हम क्या करते? अब किसी से कह भी नहीं सकती, राजकुमारी नहीं मिल रही है। पहले ढुवाया महल में, फिर राजा को बुलवा के कहा, अब राजा भी कैसे कह दे कि हमारी छोरी को भगा ले गया भागे, बहुत मुश्किल बात, ये तो अभी तक मुश्किल है। तो खैर अपने मंत्रियों को बुला करके उन लोगों ने कुछ और रास्ता निकाल के ढूंढने के लिए इधर उधर आदमी भेजे, भाग भाग करके गए, कहाँ मिलना था। एक बूढ़े के दिमाग में आ गया, वो इधर घूमते घामते और तालाब के किनारे पहुंचा और वहां देखा राजकुमारी बंधी खड़ी है। राजकुमारी बोले, अरे राजकुमारी ये क्या हुआ, किसने यहां पर? काका हमारी दीक्षा हो रही है। और ये कौन सी दीक्षा है? चलो तेरे फोन रुक गया होगा, चलो भैया मेरे काका छूना नहीं मुझे, मेरी दीक्षा हो रही है, छूओगे तो मैं बताए दे रहे। काका घबरा गए, राजकुमारी है। महारानी के पास पहुंचे, राजा के पास पहुंचे, राजा ने समझाया ये दीक्षा होती है, ऐसे नहीं होती है। उन्हें समझाया
उनका ठीक है, आपके गुरु की दीक्षा अलग होगी, हमारे गुरु की दीक्षा ये बंधन खोलने के पहले पहले बंधन करता है, हमको पूरी श्रद्धा हमारा कल्याण होगा, भगवान ने भेजा हमारे गुरु को। महाराज जब महाराजा महाराज का मैं भी देखती हूँ तेरे गुरु दीक्षा को, मैं या तो कर ले, मैं सिर फोड़ के यही मर जाऊंगा, तुम्हें मालूम था मेरी जिद, महारानी को मालूम था जिद भी लड़की है कर ही देगी काम। तो गुरु जी के अब जब सब जगह हारो तो गुरु के पास जाते हो, राजा साहब ने गुरु के पास गए, गुरु जी को बुला के लाए, क्या हो रहा बेटा, गुरु दीक्षा हो रही बाबा। अरे ऐसे कहीं गुरु दीक्षा होती, गु माने अंधकार, रू माने का दूर करने वाला जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो दुनिया भर की व्याख्या की गुरु शब्द की, और आत्मा चुपचाप सुन रही है, कोई ध्यान नहीं दिया, समझ गई, गुरु इस तरह से होता है, वो ऐसा करता है, ये ठीक है आप ठीक है, लेकिन हमारे गुरु ने जो किया वो ठीक है, क्योंकि भगवान ने भेजा गुरु। अब महाराजा सबके सब हार गए, पंडित जी भी अपनी सारी विद्या लगा के जो गुरुदेव थे राज के, वो भी हार गए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब दया करो, अब ये लड़की मर जाएगी, इसका क्या दोष है, ये काहे को मरे, दीक्षा के नाम पर आप सर्वज्ञ सबके गुरु हो, इसकी रक्षा करो। तो भगवान आए, जब गुरु ने कहा भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तेरे बता रहा था, तो कहा तुम जिनके गुरु उनको रास्ता बता, राजा को बता, मुझे क्यों बता दिया। तब वही राजा ने राजा साहब ने महारानी ने और वो गुरुदेव ने प्रार्थना की, तो भगवान आ गए, क्या करते लड़की, तो भगवान आए तो बेटा क्या हो रहा है, गुरु दीक्षा हो रही गुरु जी, भगवान अरे ऐसे नहीं गुरु दीक्षा होती, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, उनका भगवान आप दूर रहिएगा, आप जगत का कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण तो मेरा गुरु करेगा। भगवान ने कहा मैं बंधन काटू, आप दुनिया में बंधन काटो, मेरा क्या करना है, मेरा बंधन मेरा गुरु काटे। भगवान ने कोशिश की तो घबरा गए, भगवान के भैया ये जिद्दियों से तो परमेश्वर भी हारते, ऐसा बताया गया। तब भगवान ने कृपा की, बताया जाओ वहां पर उस रास्ते में वहां सर्वज्ञ है, वो बहुरूपिया लाया गया पकड़ कर, बहुरूपिया को देख रहे थे, आ गए गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए, सरकार बहुरूपिया है तुमको ठगा, काहे को ठगने ठगने आया, भगवान से कहा, भगवान ने कहा बहुरूपिया है तेरे कहने ले रहा, सुनो भगवान चुप रहो, मैं गुरु की निंदा नहीं सुन सकती हूँ, मेरे गुरु बहुत महान है, गुरु गलती होती ही नहीं। शिष्या की भावना देखो, जब भगवान शिव ने पार्वती जी से बताया कि नारद शाप दीन इकबारा, तो नारद जी पार्वती जी के गुरु जी है, तो उनको ये कभी डाउट नहीं हुआ कि नारद जी से कोई गलती हुई शाप देने में, तो कारण कवन शाप मुनि दीना, मुनि माने मनन वाले योग्य परमात्मा, उन्होंने किस कारण साप दिया, क्या अपराध और पापति की ना, भगवान ने कैसी कौन सी गलती की, हमारे गुरु जी गलती करेंगे नहीं, गुरु में गलती होती नहीं, भगवान ने क्या अपराध किया वो बताओ उनको, क्यों उनको श्राप मिला, ये सुनता। तो राजकुमारी ने उनका भूल गया, तो भगवान कह रहे नहीं भैया ये कह सुनो, ये पिताजी के गुरु जी माता जी के गुरु दुनिया भर के गुरु जी बैठे हैं, आपने आज तक इनको कभी दर्शन दिया, भगवान जो नहीं दिया सब गुरु जी को ही नहीं मिले थे, आप आए ना हमारे पास, मैंने बुलाया था, मैंने बुलाया भी नहीं आपको, आप अपने आप आए कि नहीं आए, कैसे आए, हमारे गुरु कृपा है कि नहीं है। अब भगवान शब्द हो गए, अब बहुरूपिया की भी आंखें खुल गई, श्रद्धा देकर के शिष्य आई, भगवान भी कृतार्थ हुए, उसने कहा ले मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अपनी शिष्या को उन्होंने रस्सी से मुक्त किया, शिष्या चरणों में पड़ गई, गुरुदेव आज आपकी कृपा से इतनी देर में भगवान के दर्शन हो गए, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई, उस प्रकट मेरे सामने खड़ा हुआ है, गुरुदेव आपकी कृपा है, वो दंडवत करते गुरु जी को, और वो बहुरूपिया कहते हे शिष्या मैं तो टपटी बहुरूपिया न जाने क्या क्या,
लेकिन तेरी कृपा से आज मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। वो शिष्या को प्रणाम करते हैं, शिष्या गुरु को प्रणाम करती है, दोनों ने एक दूसरे, शिष्या की दृढ़ श्रद्धा ने भगवान को बुला दिया, उसका कल्याण तो हुआ ही, लेकिन रूपिया का भी कल्याण हो गया। आदम श्रद्धा, और ये बात प्रमाणिक है, ध्यान रखो, गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान भक्ति सब मिलेंगे, लेकिन वो श्रद्धा में तत्पर होना चाहिए। श्रद्धा से प्रतिकूल जो है उनसे इंद्रियों को हटाए, श्रद्धा के मार्ग जो साधक है उनको स्वीकार करें, तत्पर संयते। इसलिए गुरु की महिमा के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, सदैव वर्णन होता है, मीमांसा शास्त्र में शिक्षा विधि में बहुत दिव्य वर्णन है, उपनिषद में बहुत दिव्य वर्णन है, चोटियम परम निष्ठम के समय में, गीता में भी है, और अन्य नाना जगह सबने गुरु की महिमा का गान किया है। लेकिन आज हम गुरु की महिमा का गान भी शिष्या की महिमा के गान के माध्यम से कर रहे हैं। आदौ श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा कितनी महान है वो मुख्य है, गुरु कितना महान है वो उतना मुख्य है। भगवान आपकी श्रद्धा दृढ़तर करें, आप श्रद्धावान होइए तत्पर और संयतेन्द्रिय हो गए तो आपको अवश्य, अरे एक बहुरूपिया के माध्यम से छोरी को कुछ घंटे में ही, घंटा भी कहाँ लगा होगा, भगवान के दर्शन हो गए। ध्रुव जी को कितने दिन लगे, प्रहलाद जी को कितने दिन लगे, गुरु के ऊपर श्रद्धा है। आयु विद्या बल इत्यादि की कोई महत्ता नहीं है, वर्ण आश्रम की भी कोई महिमा इस तरह से नहीं इसमें जितनी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का और अपनी पूरी गुरु परंपरा का स्मरण वंदन कर रहे हैं और उनसे ही प्रार्थना करते हैं, हमारी और हमारे जितने हैं सब की श्रद्धा में निरंतर वृद्धि हो, परमात्मा सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।